सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। ये डर गई, मैंने इंट्रो किया तो ये नहीं, डर मुझसे डरी। गई। तो अभी मम्मी पापा वोट डालने गए हुए हैं और भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी शायद 1 बज रहा है, तो सबसे पहले उठ के आज नाश्ता खा लिया था, तो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पकौड़े बने थे नाश्ते में, तो अब मैं फटाफट से नहा धो के आप लोगों से मिलता हूँ, और आज बहुत पढ़ाई करनी है मुझे। तो है गाइस, नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया हूँ, और अभी खाने में है छोले चावल, जो मैंने कल छोले निकाले थे। तो फटाफट से ले लेता हूँ खाना, बहुत तेज भूख लग रही है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। तो गाइस, खाना वाना खा लिया और अब फटाफट से पढ़ने बैठ जाता हूँ। हीटर भी ऑन कर लिया, थोड़ी ठंड लग रही थी। और मक्खन गई हुई है नाना जी के यहाँ, मम्मी पापा भी और बानू भैया कहीं गए हैं किसी काम से, तो अभी मैं फ़िलहाल अकेला हूँ। तो सोच रहा हूँ पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कल टेस्ट है और वो हार्ड होने वाला है, जैसा मैंने कल आप लोगों को पिछली व्लॉग में बताया था। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो यार गैस, अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी भूख लगाई थी फिर से। तो मैंने अभी ये आलू गोभी रखी हुई थी, तो मैंने आलू गोभी ना सिंपल खाने में टेस्टी लगती है, तो इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ में अब छोले चावल का आलू और दही लेने को हमारे जो ट्रेनर हैं उन्होंने कहा है, दही ले लिया करो, एक बार दो बार ले सके तो। वैसे रात को ना खाने नहीं देते, क्योंकि क्योंकि जुकाम वगैरह हो सकता है, सर्दी लग जाती है रात को दही खाने से, सॉरी ऐसे भैया बोलते हैं। तो इसलिए अभी ये खा लूँगा, और तब तक दीपक भी जला देता हूँ क्योंकि। तो गाइस, सब लोग घर पे वापस आ चुके हैं, और अभी मैं सब लोगों के लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ। मतलब मैं नहीं पी रहा, मेरा पेटा भी अभी भर रहा है, तो बाकी लोग पी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस, मैं अभी बैठ के एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने ध्यान दिया जब मैं वो छोले चावल ले रहा था, तो तब मैंने एक सिनेमैटिक बनाया था। बट क्या हो गया, उस टाइम मैं रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया। तो मुझे उस टाइम लगा कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बट मैंने जब देखा तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। तो अब तो क्या ही कर सकते हैं, तो छोड़ो उसे। और फिलहाल मैं कल स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि लेट हो जाता है स्कूल से आने में, क्योंकि दूर है ना। तो अब सीधा मंडे से जाएंगे, क्योंकि फिर सेकेंड सैटरडे और संडे है। तो अभी हाँ, मैंने काफ़ी पढ़ लिया है अभी। तो फिलहाल अभी हम भैया और मैं एक शो देख रहे थे, शार्क टैंक, बहुत सही शो आता है, आप लोग भी देखा करो। उसमें काफ़ी सारे नए स्टार्टअप के बारे में सिखाते हैं, तो मुझे काफ़ी सही शो लगा। मेरे स्कूल के एक इंग्लिश वाले सर हैं, उन्होंने भी बताया था इसके बारे में। और फिलहाल अभी कुछ करने को नहीं है। तो गाइस यार, थर्सडे है, मैं भूल ही जाता हूँ थर्सडे को कि मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो अचानक से दिमाग पे पड़ता है कि आज तो स्टोरी सुनानी है, तो मेरे पास स्टोरी होती है कोई ना कोई, तो मैं सुना देता हूँ। आज काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब जानते होंगे मैक्सिमम लोग जो बटर। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो बटरफ्लाई होती है वो सबसे पहले कुकून में होती है। तो एक आदमी के घर के पास ही वो कुकून होता है, तो उसे देखता है। तो एक बार क्या होता है, वो कुकून में देखता है कि वो बटरफ्लाई आने के लिए खुलता है ना, तो वो चीज़ हो रही होती है। तो वो देखता है कि वो एकदम से स्टक हो जाता है, बटरफ्लाई नहीं निकल पा रही होती है। तो वो कैची से लाता है और उसे निकाल देता है। तो उसकी बॉडी जो होती है वो स्वेल्ड होती है, और विंग्स एकदम एकदम कैसे होते हैं, वो बंद होते हैं, खुल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो वो हेल्प करता है उसे और पंख खोल देता है, बट वो फिर भी नहीं उड़ पाती है। तो वो अपनी एंटायर लाइफ कभी उड़ ही नहीं पाती। तो इस स्टोरी से ये समझाना चाहते थे कि जो हमारे स्ट्रगल होते हैं, जैसे वो फंसी हुई थी, तो वो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। जो फ्लूइड था उसमें, कुकून में, जिससे वो पंख में जाता तो वो उड़ पाती, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि उसने हेल्प करी। तो शॉर्टकट्स अगर हम लेते हैं सक्सेस पाने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी जाके हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज बढ़ती है। तो इस स्टोरी से बस मैं ये बताना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस, अभी मम्मी कुछ काम कर रही है, अपना मक्खन अमरूद खा रही है रात को, तुम्हारे साथ सीन पता है क्या है? और भैया ये शार्क अपने टैंक घर देख जैसे रहे हैं। कंफर्ट चाहिए, वरना घर जैसे फ्रीडम। तो गाइस, ये मम्मी के लिए दूध बन गया है, तो ये उन्हें दूध देना है बना के, मैं भी पीऊँगा। बट इसमें मलाई लगी हुई है, तो सोच रहा हूँ बहुत दिनों से मलाई नहीं खाई, तो मलाई खा लूँ। तो गाइस, मलाई तैयार हो गई है, और मैंने ना अपने चैनल पे एक चीज़ चालू करी थी कि मतलब जब जब मैं मलाई खाऊंगा, तो जो उस व्लॉग में कमेंट करेगा कि उसे भी मलाई अच्छी लगती है, तो मैं उसका नाम लूँगा। तो अगर आप लोगों को मलाई अच्छी लगी है, कमेंट कर देना अभी। तो पिछली बार मुझे याद है, मतलब बहुत टाइम पहले खाई थी मलाई, तो मांस भाटिया ने किया था। तो भाई जान खा लीजिए, कम है क्योंकि ये दूध बन गया था ना, तो इस चक्कर में कम निकली है, वरना बहुत सारी निकल जाती है। तो अभी फटाफट से मम्मी को दूध दे देता हूँ और मलाई खा लेता हूँ। तो अभी खाना खाने का तो मन नहीं हो रहा, पेट भर गया है फिलहाल।
तो यार गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली व्लॉग में, बाय बाय।